हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। 29 अप्रैल 2021 को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे एक नोटिस रिलीज़ किया गया रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, जो कि 15 मई 2021 से होने वाले हैं। SOL की बात करें तो जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स जो हैं 15 मई 2021 से होने वाले हैं। अब इस नोटिस के अंदर जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं दी गई, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसको मैंने कम्युनिटी सेक्शन पे पोस्ट कर दिया और जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे मैंने डाल दिया, लेकिन इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इससे स्टूडेंट्स के बीच में कन्फ्यूज़न हो सकता था, क्योंकि इसमें कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके एग्ज़ाम जो 15 मई 2021 से होने वाले हैं वो पोस्टपोन्ड हुए हैं या नहीं हुए। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ थे और उन्होंने मैसेज किया कि हमारे एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हुए हैं या नहीं हुए, हमें कन्फर्म बता दीजिए आप। तो सर, जब नोटिस के अंदर ही कंफर्म नहीं बताया गया तो मैं अपनी तरफ से आपको कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि एग्ज़ामिनेशन आपके पोस्टपोन नहीं हुए हैं अभी। DU या SOL की तरफ से फर्दर कोई नोटिस आएगा जब भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आपको ये नोटिस समझना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। मैं सरल साधारण भाषा में आपको इस नोटिस के अंदर क्या क्या मेंशन किया हुआ वो सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है, द COVID-19 पेंडेमिक हैज अफेक्टेड द एंटायर ह्यूमैनिटी एंड इन द पर्टिकुलर आवर कंट्री ड्यूरिंग द रिसेंट टाइम्स। द यूनिवर्सिटी इज कंसर्न फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट्स, विच इज आवर प्रायोरिटी एंड वुड इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कम्युनिटी इज प्रोटेक्टेड एट एनी गिवन टाइम। यानी कि हमें पता है कि COVID-19 की पेंडेमिक चल रही है और जो दिल्ली और इंडिया है वो इससे मोस्ट अफेक्टेड है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी होगी, जो भी उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी होगा, वो सारी चीज़ें हम करेंगे और उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। पहले तो इन्होंने ये लिखा है। इसके अलावा, द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रिसीविंग रिक्वेस्ट रिलेटिंग द एग्जामिनेशन टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स शेड्यूल फॉर मई जून 2021। यानी कि हमें रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है स्टूडेंट्स की तरफ से और टीचर्स की तरफ से कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं मई जून 2021 में होने वाले हैं उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। द यूनिवर्सिटी वुड टेक अ स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड वुड कम आउट विद इट डिसीजन एट द अर्लीस्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ मई जून 2021 एग्जामिनेशन फाइनल ईयर सेमेस्टर। यानी कि जो यूनिवर्सिटी है इसके ऊपर विचार कर रही है और जल्दी इसके ऊपर डिसीजन ले लिया जाएगा और जो भी डिसीजन होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इन द कंप्लायंस ऑफ UGC गाइडलाइंस एंड एडवाइजरी इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये जो डिसीजन है वो किसके रिगार्डिंग लिया जाएगा, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जो कि UGC ने रिलीज़ किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो गाइडलाइंस रिलीज़ किए हैं, जो एडवाइजरी रिलीज़ की है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया जाएगा। It is further clarified that a university has already decided that decision regarding mid-term semester examination will be taken at large stage या later stage। यानी कि यूनिवर्सिटी ने पहले ही ये डिसाइड कर लिया है जो आपके मिड टर्म के एग्जामिनेशन होने वाले थे वो तो बाद में लिए जाएंगे, लेकिन ये डिसीजन जो अभी पेंडिंग है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और SOL में मेनली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के ही एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उनके लिए जो डिसीजन है वो कुछ समय में लिया जाएगा, तो उस नोटिफिकेशन का आप वेट करें। आगे लिखा हुआ, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू फॉल प्रे टू एनी रूमर्स एंड एक्सक्लूसिवली फॉलो द नोटिस रिगार्डिंग द गाइडलाइंस अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.du.ac.in। यानी कि ये कह रहे हैं किसी भी फेक न्यूज़ के या किसी भी र्यूमर के झांसे में आने की जरूरत नहीं है, आप जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है du.ac.in या उसके ऊपर कोई आने वाली ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, नोटिस है, उसी को ध्यान में रखें एंड एट द एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी। तो ये पूरा नोटिस था जो कि 29 अप्रैल 2021 को रिलीज़ किया गया और इसमें साफ साफ कहा गया कि आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे फाइनल ईयर के, उसके ऊपर जो निर्णय है वो गाइडलाइंस को ध्यान में रख के लिया जाएगा और स्टूडेंट्स की जो हेल्थ है उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसको देख के लग रहा है हो सकता है आपके एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई है, वेट फॉर द ऑफिशियल कन्फर्मेशन या ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अगर ये नोटिस आपको, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।